अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो आज सबसे पहले हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है जी पोस्ट। तो वर्डप्रेस के अंदर हम पोस्ट को कैसे अपलोड करते हैं, किस तरह हम पोस्ट करते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है। तो जिस तरह हम मतलब कि बात करते हैं ना फेसबुक में पोस्ट वगैरह करते हैं, तो जिस तरह सेम उसी तरह जिस तरह फेसबुक पर पोस्ट करते हैं उसी तरह वर्डप्रेस पर हम पोस्ट करते हैं। तो वर्डप्रेस पे जो पोस्ट की जाती है वो ज़ाहिर तौर पब्लिश होती है, और उसके बाद जो आपने पिक्चर अपलोड की है तो पिक्चर अपलोड करने के साथ साथ आपने उसके नीचे उसका कंटेंट वगैरह भी ऐड करना पड़ता है। तो उसके कंटेंट आप ऐड करेंगे, दूसरी ये बात है कि जो भी आप पिक्चर ऐड करें वो पिक्चर बिल्कुल मतलब यूनिकली हो, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, कंटेंट भी आपका कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने पोस्ट करनी है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे गया हूँ और यहाँ मैं पोस्ट करता हूँ ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है। ऐड न्यू, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी पोस्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो आपको पोस्ट की ज़रूरत है समझ आ रही होगी कि पोस्ट हम किस तरह करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना है तो आपको सबसे पहले एक पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो पोस्ट मैंने क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पोस्ट के लिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ वेबसाइट, ठीक है। तो ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया, फिर पब्लिश कर दिया, ठीक है। इस तरह हम इसका टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम दे दिया पाकिस्तानी टीम, ठीक है। तो अब आपके पास अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने टाइटल तो दे दिया उसको, और उसके बाद अब हमने मेन चीज़ अब ये हमने यहाँ ऐड के करना है। तो हम इधर से ये इसके कुछ फीचर हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसके कुछ फीचर उनका ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कंटेंट था, तो कंटेंट के लिए मैं यहाँ पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये पैराग्राफ आ गया। अब अगर आपने यहाँ कोई चीज़ ऐड करनी है, मिसाल के तौर पर मैं कुछ लिखता हूँ इधर, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, आगे फिर कंट्रोल पी, कंट्रोल बी 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 आ गया, ठीक है। ये मैंने एक कंटेंट ऐड कर दिया, ठीक है। ये मैंने एक कंटेंट ऐड कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, अभी कंटेंट ऐड करने के बाद आपने फिर इमेज डालनी होगी। इमेज के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं मीडिया लाइब्रेरी से उठा लेता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी से पिक्चर कोई भी उठा लें, मिसाल के तौर पर आप ये उठा लें, ठीक है। तो मैंने ये उठा लिया पिक्चर, ये आ गई, ठीक है। अगर आपने इधर से इसकी इमेज इमेज की आपने यहाँ से इसको फुल विड्थ कर दें, फुल विड्थ होगी, अच्छी नहीं लग रही यार ये तो। और मैं इसको अलाइन सेंटर करता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, इसके नीचे अगर ट्रैफिंग देना है तो आप दे सकते हैं, कार नज़ीर, ठीक है। ये मैंने दे दिया, कैप्शन दे दिया, ये मैंने अपनी इमेज ऐड कर दी। अब क्या करूँगा, अब मैं फिर कोई कंटेंट ऐड करना है या कोई चीज़ ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे मैंने हेडिंग देनी है, पैराग्राफ ऐड करना है, इमेज गैलरी, गैलरी की मीडिया लाइब्रेरी से आ गई। गैलरी में आप एक से ज़्यादा पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक दो, एक दो तीन, तीन पिक्चर डाल, ये तीन क्रिएट, यहाँ कैप्शन थे उमर इब्तिसाम, और यहाँ कैप्शन दे दें
कैस, और यहाँ कैप्शन दे दें, क्या कैप्शन देना है इधर, आप कैप्शन दे दें यहाँ, आप देते हैं मोई नहीं अली, ठीक है तो मैंने दे दिया तो इंसर्ट हो गई है, तो फिर माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है। तो ये मैंने मतलब कि पोस्ट क्रिएट की है कि आपके सामने है, ठीक है। इस तरह हम एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको माशाल्लाह समझ आ गई होगी, और आप भी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी मतलब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें प्रोफेशनल बन जाएंगे। शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।